क्या कर रहे हो? अच्छा, चाचा की तैयारी हो गई है। चलो आ जाओ, उठो, सुबह का ब्रेकफास्ट करें। वो पीछे आई कचौड़ी तो जो मैं कोण में लगा दी इसमें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया कि अभी हम आए हैं गांव में दिवाली की धूप लगाने के लिए। कल थी हमारे यहाँ पर छोटी दिवाली और आज है बड़ी दिवाली। अमावस के दिन हमारे यहाँ पर बड़ी दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन जो है हमारे यहाँ पर पितरों की पूजा होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है दिवाली पर। तो सबसे बड़ी पूजा होती है पितरों की, तो आज वही करने जाएंगे अभी। तो बाकी सब हो गए हैं रेडी और मम्मी और जो कर रही हैं अपनी धूप की तैयारी। तो जैसे ही सब रेडी हो जाते हैं, धूप की तैयारी हो जाती है, तो उसके बाद हम जाएंगे मत्था टेकने के लिए। तो आप भी व्लॉग में बने रहिएगा, आपको भी इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये व्लॉग रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे साथ साथ हमारे बाकी के फैमिली मेम्बर भी देखने को मिलेंगे, गाँव का माहौल देखने को मिलेगा और साथ ही दिवाली सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। तो व्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिए। क्या कर रही है मम्मी? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मम्मी अभी नहा तो ली थी, बस इनको चेंज करना है, तो अभी ये भी चेंज कर रही है। मामा क्या कर रहे हो? लहसुन छील रही हूं। अच्छा, तो औरों का देखती हूं आती हूं मैं क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं भैया, भैया आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मोबाइल चला रहा हूं अभी। अच्छा, ये मेरी ताई है। ताई आप क्या कर रहे हो? अच्छा, दादी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं नहा के आई हूं। अच्छा, अभी आप नहा के आई हो? मैंने पूछ लिया मम्मा सबसे। तो गाइस, चलो बैठक में चलते हैं, देखते हैं तो दादाजी क्या कर रहे हैं। चलो देखते हैं, मजा आएगा। तो पापा भी लेते हैं। पापा उठो उठो, चलो चाचा की तैयारी हो गई है। चलो आ जाओ, उठो उठो उठो। बाकी लोगों से भी मिलकर आती जो उठाकर पापा जी तो सो रहे थे, अभी मैं उठा के आ गया क्योंकि अभी चाचा की तैयारी होगी। चलो मैं अपने मम्मा से पूछ के आती हूँ कि वो क्या कर रही हैं। मम्मा आप क्या कर रहे हो? मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन अच्छा। से छील दिया तो अभी टमाटर प्याज छील रही हूँ। दादी कर रही है जय जय की तैयारी, मुझे तो पता नहीं है कैसे करनी है, तो अभी आपकी दादी कर रही है जय जय की तैयारी। मैंने सोचा तब तक मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ, जब जय जय करके आएंगे फटाफट रोटियाँ बना देंगे सबके लिए। आप कहाँ से आए हो? मैं बैठक से आई हूँ। बैठक में? हाँ। दादाजी क्या कर रहे थे? दादाजी सो रहे थे। मैं पापा को उठा के आई हूँ। पापा भी थे वहाँ पे? हाँ, मैं पापा को उठा के आई हूँ। उठ गए? हाँ, वो उठ गए। तो गाइस, गांव के जो अब लोग हैं उसकी भाग दौड़ संभाली हुई है ध्रुवी ने, आधे से ज़्यादा लोग जो है ध्रुवी कर रही है यहाँ पे, और अच्छी भी लग रही है बोलती हुई। तो मैंने सोचा चलो ठीक है करने दो इसको, अभी मेरे पास से आके गई थी, अभी वहाँ पे गई है, तो ऐसे ही सबको कैप्चर कर रही है। वेरी गुड, और भी करनी है? अच्छा, सभी मैंने जितने हमारे फैमिली मैम तो वो तो दिखाई, अब जितने बच्चे हैं वो भी दिखाते हैं। तो ये रहे, ये अपना चारा खा रही है, सुबह का ब्रेकफास्ट करे, वो पीछे छोटी वाली भी है। तो गाइस, यहाँ पर मम्मी ने कर दी है धूप की तैयारी, बाकी सब भी रेडी हो गए, दीदी भी आ गई है ना आके। चलो और वो उनके क्या करे उसने मम्मी निंगारी निंगारी ले लेंगे। चलो चलने, यू लेना था देवा, यू लेना था, यू भी उसमें रख ले दूंगी। जय जय आज भी किस बात में लगेगा जीजू आधा घंटा? अच्छा, ओ खत्म होगी, उसका ध्यान ही नहीं रहा।
सारी तैयारी होगी लेकिन लास्ट में देखा अंगारी नहीं है हमारी यहाँ पे, तो अभी मम्मी करेगी अंगारी। इसको लगेगा कितना टाइम लगेगा मम्मी? थोड़ी देर। आई कोटड़ी तो जो मिकुण में लगा दी इसमें। घर पर धोख लगा कर तो अभी करते हैं खाने की तैयारी, बनाते हैं खाना और खाते हैं। सो गाइस खाना हो गया हमारा रेडी, यहाँ पर भारती खा रही है, पापा और ताऊ जी खा रहे हैं, तो बस खाना पीना भी हो गया। ओए वाह दुपट्टा अच्छा लग रहा है ना बोलो, है ना। तो अभी मैं भी थोड़ी देर पसीना सो सुखाऊंगी, उसके बाद लेंगे खाना और उसके बाद शाम की जो है फिर से दिवाली की पूजा वगैरह करेंगे। इस सूट का ग्रीन दुपट्टा था ना उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को ये। मैं ना जब भी गांव में आती हूँ ना तो काम करती हूँ ना, तो उस टाइम मम्मी की ये ना कॉटन की चुंदड़ी है तो ये ले लेती हूँ कि मम्मी अपनी चुंदड़ी दे दो मेरे को, इसमें ना काफ़ी कम्फर्टेबल होता है काम करने में। जहाँ पर एक बार रख दी ना तो वहीं पर टिकी रहती है, मेरी जो सूट के साथ की होती है वो बार बार गिरती रहती है तो काफ़ी डिस्टर्ब करती, तो इसलिए मैं आती हूँ मम्मी से अपनी ये चुंदड़ी ले लेती हूँ उनके फिर आराम से काम करती हूँ। तो चलिए अभी मैं भी पसीना सुखा लेती हूँ और फिर खाना खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल एंड बाय बाय एवरीवन।